चलो we
यही बैठा है हरे कृष्ण हरि बोल बलसे वृंदावन बिहारी लाल की जय सचिनंदन गौर हरि की जय जय राधे जय जय माधव दई जय राधे
हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव के अनुगत में हम लोग परिक्रमा करते हुए जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम मान सरोवर, स्थानीय लोग बोलते हैं राधा रानी। यदि कोई बोलेगा मान सरोवर जाएंगे तो लोग बता नहीं सकते, आप लोगों को राधा रानी बोलना पड़ेगा, क्योंकि राधा रानी का स्थान है। और इस मान सरोवर को लोग मान कुंड बोलते हैं। यही मान सरोवर में शिव जी एवं असुरी मुनि, जब हम लोग बंशीवट में गए थे कुछ दिन पहले, बंशीवट पर चार कोने पे चार एक में व्यासदेव को प्रणाम करते, साष्टांग प्रणाम करते सुखदेव जी, और एक में असुरी मुनि जिसके गर्गाचार्य लिखा है, गलत लिखा है, गर्गाचार्य नहीं है, असुरी मुनि अलग है, और एक में गोपेश्वर महादेव शिव जी और हनुमान जी। गुरु जी हंसते, हनुमान जी कहाँ से ला दिया ये असुरी मुनि को, एवं शिव जी कहीं पर गोपी भाव प्राप्त हुआ था इसमें स्नान करके। जब असुरी मुनि कहीं भगवान को दर्शन नहीं मिला, फिर घूमते घूमते कैलाश में आए, उस समय शिव जी ध्यानस्थ थे, शिव जी को प्रणाम किया, शिव जी प्रणाम किया, शिव जी मुझे पता है आप आ रहे हैं, बोले चलिए अभी प्रभु वृंदावन में रास कर रहे हैं, चलते हम दोनों। दोनों आए रास मंडल के चारों ओर सहस्र सहस्र ब्रज गोपियां हाथ में पेत लेकर पहरा दे रही थी, वो लोग प्रवेश करना जो नहीं, इसमें केवल पुरुष अकेला कृष्ण है और कोई पुरुष जा नहीं सकते। हम लोग बहुत दूर से आए हैं रासमंडल में कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तब गोपियां बताइए रासमंडल में प्रवेश करना है, अदूर अर्थात निकट में ही मान सरोवर स्नान, उसमें स्नान करो, डुबकी लगाते ही गोपी भाव प्राप्त होगा, तब जाके रास में प्रवेश कर सकते हैं। शिव जी एवं असुरी मुनि इसमें स्नान करके गोपी भाव प्राप्त करके तब रास में पधारे थे, जहाँ पर रासस्थली है। स्थान की महिमा के संबंध में श्रीधर महाराज जी वर्णन करेंगे। श्रीधर महाराज हरे कृष्ण हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरा स्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिने रमते मनतम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब अगर हाथ उठा कर बोलो, बोलो जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जोर से गौर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम मान सरोवर। अभी महाराज जी बता रहे थे अगर कोई मान सरोवर बोलो तो प्राय करके लोग नहीं समझते हैं, अगर बोलो उनको राधा रानी फिर सबके सब लोग समझते हैं। राधा रानी बोलते बोले हाँ अमुक स्थान पर है, इसलिए आप वृंदावन में आओ, इसलिए देखना किसी का नाम नहीं लेते, किसके नाम लेते हैं राधे राधे। जोर से राधे 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 राधे। सबके सब वृंदावन में राधा रानी का नाम, राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, यहाँ पर कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हैं, इसकी महिमा कृष्ण स्वयं कहते हैं। बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धा विश्रवण लोभात। कृष्ण कहते हैं अगर किसने रा अखर बोल दिया तो मैं चिंता में पड़ जाता हूँ, उसको मैं क्या दूं, लेकिन रा शब्द का इतना महिमा है, कृष्ण कहते विश्व ब्रह्मांड में उसको देने के लिए मेरे पास में कुछ रहता नहीं, लास्ट में अपना भक्ति मैं खुद को खुद उसको मैं दे देता हूँ।
अगर कोई धा बोल दे ना, रा और धा, कभी ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे 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 मैं भागते रहता हूँ। इसलिए कहते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, कोई बोल नहीं रहे आएंगे बिहारी। इसलिए हम सबसे पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये स्थान का नाम मानसरोवर के नाम पड़ा। कारण क्या? बोले कारण है, कृष्ण जब रास कर रहे थे वृंदावन में, रास करते समय इतने में राधा रानी की मान हो गया। बोले राधा रानी का मान क्यों हुआ? इसलिए कभी सहेतु की मान होता है, कभी अहेतु की मान होता है। इसलिए मान भी दो तरह का है। इसलिए कभी कृष्ण जब रास कर रहे थे, गुरुदेव कहते हैं कभी राधा रानी ने देखा कृष्ण चंद्रावली के कंधे पर हाथ रख करके नृत्य कर रहे, इसलिए भी कभी राधा रानी की मान हुई, कभी कभी इसलिए भी मान हुई। एक समय श्री राधा रानी एक सुंदर माला बनाया, और ऐसे माला जो बिना धागा के ही वो माला था, और उन्हें श्याम सुंदर गले में पहनाया, और श्याम सुंदर ने राधा रानी को साथ में मिलने में वो पाबंद नहीं हो मिलने में, इसलिए उन्होंने गले की माला को उतार करके किसी वृक्ष के ऊपर लटका दिए। इतने में एक सुप पक्षी उड़ते हुए जा रहा था, कृष्ण का प्रसाद ही मान करके उन्होंने अपना चोंच में पकड़ा और उड़ते हुए जा रहा है। इतने में श्री चंद्रावली ने देखा ये तो कृष्ण का प्रसाद माला है, उसने अनारकी दाना की लोभ दिखा करके उसने तोता को बुलाया, और उन्होंने माला उसको ले करके अपना जो खोपा अपना जो पेणी है अपना जो चोटी उसमें सुंदर करके फूलों से श्रृंगार कर दी। थोड़ी देर बाद में राधा रानी श्री ललिता देखती है जिस माला को राधा रानी इतने प्रेम से प्यार से और भक्ति से बना करके कृष्ण को पहनाया, देखो माला कहाँ पर अभी चंद्रावली की चोटी में। इतने में ललिता राधा जी को बोले राधे ये श्याम सुंदर को तो प्रेम करना आता ही नहीं, देखो तुमने दिया फूलों की माला और माला कहाँ पर चंद्रावली की चोटी में चली गई। इतने में राधा रानी उन्होंने मान कभी की, मान करके कहाँ पर चली आई, हमारा मंदिर के पास में चार ही गली है, मान गली दान गली कुंजा गली और जमुना गली है, वहां पर एक मान गली है। देखना राधा रानी उसी मान गली से ही होते हुए यहाँ पर राधा रानी आ गई, आ करके अपना आंखों से अश्रुओं से उन्होंने रो 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 करके ना ये जो सरोवर है पूरा के पूरा जो सरोवर है, सरोवर नहीं राधा रानी की अश्रु, राधा रानी की आंसू से ही ये कुंड भर गया। आप बोलोगे इतना आंसू बहा जो कुंड भर गया? बोले हाँ भर सकती है। इसलिए महाप्रभु का कीर्तन महाप्रभु का लीला में भी आता है, महाप्रभु जब उसी राधा भाव से विभावित होकर के नृत्य कीर्तन महाप्रभु करते थे, महाप्रभु का आंखों से इतने आंसू बहता था आस पास के लोग भीग जाते थे, और जहाँ पर वो नृत्य कीर्तन करते थे वहां पर पूरा के पूरा सब कीचड़ कीचड़ हो जाता था। हैं? इसलिए ये असंभव नहीं, हमारे लिए असंभव हो सकती है लेकिन श्री राधा रानी के लिए ये असंभव नहीं। इसलिए ये कुंड श्री इसलिए कहते हैं कुंड क्या कहते हैं मान सरोवर कहते हैं। इतने में अभी गुरुदेव कहते कृष्ण को कैसे पता चला राधा रानी यहाँ पर आ गई? बल योग माया ने स्फूर्ति कराया, अभी श्रीमती राधा रानी यहीं पर, श्रीमती राधा रानी तब श्री श्याम सुंदर यहीं पर आकर के श्री किशोर जी को मान को यहीं पर उन्होंने मनाते हैं यहीं पर। और जो मान है श्री एक प्रेम विशेष है, इसी जगत में देखना जो मान है कभी कभी ये क्रोध में भी परिणत हो जाता है, जैसे पति पत्नी में किसी बात को लेकर लड़ाई हो झगड़ा हो गया, कभी पत्नियां भी मान करती हो, आप लोग जो मान किया हो बताओ कौन कौन मान किया, हाथ उठाओ नहीं करते, अरे बोलो हाथ उठाओ हाथ नहीं तो सुधर्मा इसे लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं सबके सब मान करते हैं ना, सब करते कोई नहीं हाथ उठाता है, कोई ना हो पति मान करता है लोग प्रेम करना नहीं, इसी जगत में इसी जगत में मान मान है कभी कभी जो मान है ना कभी कभी ये मान क्रोध में परिणत हो जाता है, बात मत करो कभी कभी मान ये क्रोध में, अगर पत्नी ने मान की अगर उपयुक्त समय में पति ने उसको मान को नहीं उतारे मान को नहीं बनाए जो चाहती है उसको इच्छा नहीं पूरी करे ना ये मान कभी कभी क्रोध से परिणत हो जाता है, फिर ये क्रोध जाकर कोर्ट तक चले जाते हैं, इसलिए आई लव यू आई लीव यू फिर आई किल यू करके कोर्ट में जाकर के लड़ाई झगड़ा कोर्ट में मामला मुकदमा हो जाते हैं अगर मान को ठीक ठीक से नहीं उतारे अगर पति टाइम से। लेकिन इसी जगत का जो मान है भक्ति जगत का जो मान है ना वो साधारण मान नहीं, इसलिए ये श्रद्धा ही
धीरे धीरे साधु संघ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम अवस्था में पहुंचता है। वही प्रेम जब घनीभूत अवस्था प्राप्त करता है पर स्नेह मान प्रणय रूप में धीरे 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 ये बढ़ती है। कहते मान होता है क्यों, कहते मान क्यों होता है? अब लोग घर में सब सब तो शादी की है, आपको सब पता होगा, जैसे घर में एक जैसे सब चल रहा है ठीक से, किसी कारण से पत्नी नहीं तो पति कभी मान कर लिए, मान करने के बाद 5-10 दिन तक बात ही नहीं हुई, जब बात नहीं हुई ना 8-10 दिन बाद में जो बात होती है तो ना फिर नया आनंद आता है, क्योंकि बड़े दिनों से बात नहीं हुई ना आपस में, फिर जब बात होती है उसमें एक अलग आनंद आता है। इसलिए उसी जगत का कहते वो उसी जगत का जो परछा ही है, कहते उसी अपराकृत जगत का जो परछा ही है ना, ये जगत में बड़ा हुआ है। अगर वो नहीं होता गोलोक वृंदावन में फिर तो हम ये मान क्या चीज है, फिर हम ये चीज को हमारी समझ में नहीं आता, फिर जब हंस रहे ना हंसते नहीं, क्योंकि उसको साथ में सबके साथ मिलता जुलता है। इसलिए अपराकृत जगत में जो मान है केवल ये प्रेम को बढ़ाने के लिए ही ये मान होता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जो मान है, कहते ये दो तरह का मान है, कितने तरह का मान है, दो तरह का। क्या क्या कहते, एक सहितुकी और एक अहितुकी। कहते जो सहितुकी मान मतलब एक मान होता है बिना कारण से राधा रानी फिर मुंह मोड़ कर बैठी जाती है, बल्कि राधा रानी क्यों मुंह मोड़ कर बैठ जाती है, कारण है कृष्ण चाहते हैं अभी मैं मान करूं। लेकिन ऐसे एक मान है जो बिना कारण से वो कारणों को लेकर के मान होता है, जो कारणों को जो मान लेकर मान होता है ना वो भी तीन तरह का है, कितने तरह का है, क्या क्या, तो एक है देख करके, एक है सुन करके और एक है अनुमान करके। बोले कैसे है, तो रूप गोस्वामी इसकी विवेचना करते हैं। कभी कभी श्री राधा रानी कृष्ण दोनों हैं, दोनों के पास में अपना तोते से उन्होंने खबर भेजा आज यहीं पर हमारी अंदर में मिलन होगी। अभी कभी श्री राधा रानी कभी आ करके यहीं पर श्याम सुंदर के लिए उन्होंने बड़ी सुंदर अपना हाथों से उन्होंने कुंज बनाए और कुंज बना करके राधा रानी बैठी हुई, जब बैठी हुई इतने में कृष्ण अपना सखाओं को साथ में गोचारण करने के लिए आए, कहां पर कुसुम सरोवर पर वहीं पर गोचारण करने के लिए आए। जो गोचारण करने के लिए आते हैं कृष्ण, इतने में श्री राधा रानी अपना हाथ की बना हुआ एक सुंदर पान की बिड़िया भेजती है, फिर उन्हें दो चंपक पुष्प कृष्ण के लिए भेजते हैं। क्यों, जो चंपक पुष्प का रंग और राधा रानी का जो अंग का रंग है वो एक ही है, फिर अपना हाथों से बनाया हुआ एक सुंदर पुष्पों की माला भेज देती है वृंदा के द्वारा। जब कृष्ण वो राधा जी के हाथ की बनाया हुआ माला को पहनते हैं और चंपक पुष्प को देख करके राधा रानी के उद्दीपक होता है, और जो राधा रानी के हाथ का पान खाता है ना पान की बिड़िया, क्या सुगंध है, और कृष्ण खाते ही कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए उन्माद हो जाते हैं। इतने में कृष्ण सखाओं को कहते देखो आज मेरे कहीं निमंत्रण है, मेरे को जाना पड़ेगा, कुछ प्रिय नर्म सखाओं को लेकर के जो श्रृंगार रस में मदद करते हैं उनको लेकर कृष्ण आ रहे थे। जब आ रहे थे ना इतने में जैसे राधा रानी भी यहाँ पर कुंज बना करके बैठी हुई, चंद्रावली भी कुंज बना करके बैठी हुई, उनकी सखी पद्मा है, वो पद्मा भी जानती है कृष्ण आस पास में कहीं ना कहीं गोचारण के लिए आए हैं, और वो कोशिश करते हैं उनको लेकर के श्री चंद्रावली को साथ में मिलाए। और राधा रानी का जो ललिता विशाखा ये क्या चाहती है, हमारी किशोर जी को साथ में श्याम सुंदर का मिलन हो। जब आ रहे थे ना इतने में पद्मा बीच में मिल गई, बोले हमारी सखी चंद्रावली आपके लिए सुंदर कुंज बना करके बैठी हुई, चलो। इतने में कृष्ण बोले देखो आज विशेष कहीं निमंत्रण मेरे को जाना है कहीं, लेकिन वो चंद्रावली तो जानती है सभ्या जानती है, इतने में वहां पर चंद्रावली आ जाती है, बोले मेरे को सब कुछ पता तुम कहां जाना चाहते हो, चलो। उनको जोर जबरदस्ती क्या करती है चंद्रावली अपना कुंजे में ले लिया। जब कुंजे में ले लिया इधर जो श्री सुख राधा जी का जो सुख है, जो प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबने न एकांत कनन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। जो राधा रानी के निकुंज मंदिर में रहने वाले जो तोता उसने देख लिया कृष्ण के बीच में अपहरण हो गए कृष्ण, इतने में जाकर के राधा जी को बोल देते, बोले राधे आज तुमने जो कुंज बनाई तुमने जो श्रृंगार की है आज सब बेकार है। बोले क्यों, बोले जिसके लिए बनाया था तो बीच अपहरण हो गए। बोले कहा, बोले पद्मा तो जोर जबरदस्ती और चंद्रावली को साथ में अपना पास में ले गई। बस राधा रानी सुनते ही राधा रानी तो दुर्जय मान कर लिया राधा रानी, इतने में राधा रानी बैठ करके रो रही थी। हैं, इतने में कृष्ण चंद्रावली को साथ में कुंज में मिले,
मिल करके जब आ रहे थे, आते आते समय कृष्ण ने जब राधा रानी को पास में आए तब राधा रानी बोल रही है, बोले इतना देर क्यों हुई है। कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले देखो राधे में तो आ रहा था जल्दी जल्दी, लेकिन देखा एक तमाल वृक्ष के ऊपर में एक माधवी लता को जाते हुए देखा, और वो माधवी लता को देख करके तुम्हारी याद आई और तमाल वृक्ष देख करके मेरी याद आई, ऐसे लगा जैसे तुम दोनों हम आपस में मिल रहे हैं। इस प्रेम को देख करके ना मैं तो वहीं पर बेहोश हो गया था, और जो होश आया फिर तुम्हारे पास में आया हूँ। लेकिन जब आए चंद्रावली से मिले, इनका सिंदूर शरीर में लगा हुआ पैर में, बोले ये पैर में ये सब लाल दाग कहाँ से, बोले जल्दी जल्दी आ रहा है ना, पैर में कांटा चुभ गया इसलिए यहाँ पर खून निकल गया। इतने में राधा रानी कहते है नील लोहित, नील मतलब कृष्ण नील है, नील लोहित रुद्र, इसलिए और उनके शरीर में क्या लगा हुआ, सिंदूर लगा हुआ, इसलिए नील रोहित रुद्र है। इसलिए मेरे को सब कुछ पता आप कहाँ पर गए थे, मेरे को सब कुछ पता है, इसलिए आज जहाँ पर जहाँ से आए हो अब वहीं पर चले गया। देखो ये सब जो बात सुनोगे ना सब अपना घर गृहस्थी बात याद आता होगा, पता है ना, हम भी कैसे आपस में कैसे मान करते हैं, कैसे पति को साथ में लड़ाई झगड़ा करते, सब याद आ रहे कि नहीं घर की, सब याद आ रहे घर की। इसलिए देखो चतुर्थी, देखो देखो ये जो अपराकृत है ना, ये अपराकृत जगत में सारी चीज है उसका ये रिफ्लेक्शन है, इसलिए इस बात सुनकर हम अच्छी लगती है, कारण है क्या है, लेकिन उसी जगत का जो प्रेम, इसी जगत का तो कभी कभी काम में परिणत हो जाता है, कभी कभी कोर्ट कचहरी मामला मकदमा हो जाती है, लेकिन वहां पर वो नहीं होता है, वहां पर तो दिन प्रतिदिन ये प्रेम बढ़ती रहती है, यही केवल फर्क है। इसलिए कहते लोकोवत लीला कैवल्यम, भगवान जो लीला करते हैं साधारण लौकिक जैसी लीला करते हैं, बोले क्यों, बोले जिसको हम लोग सुने सुन करके उसके प्रति लोभ आए, लोभ आ करके फिर हम भगवान की भजन करें, इसलिए ठाकुर जी ये सब जान बुझ करके ऐसे ऐसे लीला की है, हैं। इतने में जब कृष्ण को कुंज से निकाल देते हैं बाहर, इतने में कृष्ण तो दुखी हो जाते हैं, तब उन्होंने ललिता से बोलते, ललिता बताओ अभी मैं क्या करूं, अभी तो राधा रानी ने मान कर दी, अभी राधा रानी का सुख में सखियां सुखी है, राधा रानी तभी प्रसन्न होगी, कब प्रसन्न होगी, जब राधा कृष्ण की जुगल मिलन हो, उसको पहले वो खुश नहीं होंगी, इनका चेष्टा ही कैसे राधा कृष्ण को जुगल मिलन कराए, इसी में ही इनकी आनंद है। इतने में ललिता कहती है काम करो, राधा रानी भी आपका विरह में दुखी, आप भी कृष्ण विरह में दुखी हो, एक काम करो ये ड्रेस को परित्याग करो, ड्रेस परित्याग करके एक श्यामा सखी रूप धारण करो और यहाँ पर आप राग रागिणी गाओ यहाँ पर। इतने में कृष्ण यहीं पर उन्होंने ऐसे राग उन्होंने गाए, इतना सुंदर राग रागिणी गाए जो पत्थर पिघलना शुरू हो गई, पेड़ से मधु झरना शुरू हो गया, पानी जैसे पानी है वो कहते ना तेज मारी वृद्धा जथा विनिमय जथा त्रिसर्ग मृषा, सबके सब अपना धर्म छोड़ करके उल्टा धर्म में परिणत हो गए। राधा रानी सुन करके पूछ रही है ललिते, इतने सुंदर कौन राग गा रहा है, जिसको सुन करके मेरे चित्त तो द्रवीभूत हो रहा है। बोले राधे स्वर्ग से एक कोई गंधर्विनी आई है, हैं, कहते मैं ये राग गा रही हूँ, बोले उसको ले करके अंदर में आओ, सुन करके उसका बोली मेरे को बड़ी प्यारा लगती है। तब उन्होंने कृष्ण को अंदर में लेकर गए, बोले आप क्या जानते हो, बोले मैं जिसकी चरण दबा दू ना, जिसकी शरीर का श्रृंगार कर दू, हृदय के सारे दुख दूर हो जाता है और मन का पीड़ा सब दूर हो जाती है। इतने में बोला हमारे राधा रानी को भी थोड़ा श्रृंगार कर दो। कृष्ण राधा जी को बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं, तिलक लगाते हैं, बोले बड़े सुंदर, मैं मैसेज करना भी जानता हूँ, जिसको मैसेज करता हृदय के सारे दुख दूर हो जाता है। जब उन्होंने राधा रानी को उन्होंने चरण को दबाए और राधा रानी का हृदय तो सारे दुख खत्म हो गए। अभी राधा रानी समझ रही है, क्योंकि जब तक कृष्ण को साथ में इनकी मिलन नहीं होना तब तक राधा रानी प्रसन्न नहीं होती है। कहते इनसे बात करने पर मेरे को इतना अच्छी क्यों लगती है और इसका हाथ स्पर्श से मेरे हृदय प्रेम में गदगद क्यों हो रहा है। राधा रानी ललिता को इशारा किया, ललिता ये कौन है, बोले ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर ही, तुम आपको मनाने के लिए उन्होंने ये श्यामा सखी रूप धारण किया। बोले एक काम करो, इसको बोलो तुम इतने महिला कपड़ा पहनी हुई हो और हम राजकुमारी सबके सब राज घराने के, देखो हम कितने अच्छे अच्छे कपड़े, ये कपड़े बदला दे, बदला करके तू नया कपड़ा हमारे पास से नया कपड़ा लो। जब कृष्ण को बोले ना, कृष्ण देखा सारे पोल खुल जाएगा, अभी लगता है हम पकड़े गए हैं। इतने में कृष्ण बोले नहीं, मैं तो यही कपड़ा पहनू। बोले क्यों, नया कपड़ा पहनना,
पुराना कपड़ा क्यों पहनोगे? भले हम तो स्त्री है ना, स्त्री को अंदर में कपड़ा चेंज करने में थोड़ी शर्म है। कृष्ण तो किसी तरह चेंज करना नहीं चाह रहे। इतने में कृष्ण का जो ऊपर कपड़ा जो इसने खोल दिया ना, फिर देखा उन्होंने श्याम नहीं है, वो कौन है? श्यामा। बोले ये कौन है? श्री श्याम सुंदर है। इतने में उनको फिर राधा कृष्ण की यहाँ पर जुगल मिले नहीं। इसलिए गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे, देखो ये इसको अंदर में हम लोग बैठते, उसमें कम जैसे हम लोग अभी आए इसके अंदर में बैठते थे, हैं? इसको अंदर में जाली लगा दिया, नहीं तो हम सोच रहे थे अंदर में जाएंगे। इसके अंदर में जब गुरुदेव बैठते थे वहां पर देखना, हर वृक्ष देखना वो स्वाभाविक रूप में ऊपर होता है, लेकिन यहाँ के वृक्षों को देख कोई ऊपर नहीं। आप देखोगे पूरा के पूरा लेट हुए देखोगे। गुरुदेव कहते थे वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल हर पात पात में श्री। गुरुदेव कहते थे ये सब के सब ऋषि मुनि लोग यहाँ पर राधा रानी की कृपा पाने के लिए वृक्ष रूप में यहाँ पर जैसे लेट हुए, जैसे राधा रानी अपना मान की, इसलिए वृक्षों को देखोगे ना उनके भाव में विभावित होकर के ये वृक्षों को देखो भी, ये टेढ़े मेढ़े ये वृक्ष है। इसलिए वहां पर एक मंदिर है, गुरुदेव जाते थे होगा तो माधव महाराज जा सकते हैं, उसको पहले एक मंदिर है, उसमें राधा रानी सिंहासन में बैठी हुई और कृष्ण उनके चरणों में कृष्ण बैठे हुए, हाँ वहाँ पर चरणों में बैठे हुए, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज नारायण।